गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों से वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं हो रहे थे, तो मैं जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको मैं आगे के जो वीडियोस होंगे उसे मैं सब अपलोड कर दूंगा। उसमें मिलकर वो अपलोड हो जाएंगे, उसमें ही मिलाकर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। नोबेल प्राइज विनर जॉन बेनिस्टर गुडेन ऑफ फासेसर, जो हमारे नोबेल प्राइज विनर थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जॉन बेनिस्टर गुडेन ऑफ, उनका देहांत हो चुका है। उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? उनको नोबेल प्राइज 2019 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? केमिस्ट्री में उनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। उनका देहांत हो गया, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है, जो कि को इन्वेंटर है किसके? लिथियम आयन बैटरीज जो है उसके वो को इन्वेंटर है। और 2019 नोबेल प्राइज में उनको केमिस्ट्री में उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने सर्व किया है मेट्रोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, जो यूएस आर्मी है उसमें उन्होंने मेट्रोलॉजिस्ट के रूम में काम किया है। कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में उन्होंने जो यूएस आर्मी है उसके अंदर उन्होंने मेट्रोलॉजिस्ट का काम किया है। उसके साथ उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी उन्होंने काम किया है, जो प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर काम किया है। यूएस सिग्नल डेवलपमेंट ऑफ रैंडम एसएस मेमोरी रैम फॉर कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर्स में रैम यूज होते हैं, जो रैंडम मेमोरी रैम जो होते हैं उसके डेवलपमेंट करने के लिए भी उनका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है, उनका बहुत वैल्यूएबल रोल उन्होंने प्ले किया है उसमें को डेवलप करने में, किसे? रैम को डेवलप करने में। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 रिसेंट रिलीज एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, जो हमारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2023 इसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया है। उसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc जो है उसमें एमओज है लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है जिसमें उन्होंने वहाँ पर रैंक किए गए उनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट में से। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उन्होंने हाईएस्ट पोजीशन क्लेम किया है इंडियन एवं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके अंदर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसने हाईएस्ट रैंक क्लेम किया है। और उनका पोजिशन क्या है? उसका पोजिशन है 48th पोजिशन इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें उन्होंने जो IISc है उसने 48th रैंक किया है, 14th रैंक पर वो है। और इसी रैंकिंग में जो टॉप 200 इन एशियन यूनिवर्सिटी उसमें इंडिया का 18 यूनिवर्सिटीज़ फीचर हुए हैं, 18 यूनिवर्सिटी उसमें हैं जो कि टॉप 200 इन एशिया, जो एशिया के 200 टॉप यूनिवर्सिटी उसमें से इंडिया के 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के क्या है? GSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वो 68th पोजिशन पर है। सोलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस जो है वो 77th पर है। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है वो 95 स्पॉट में है। अगर हम टोटल की बात करें तो इंडिया सिक्स थर्ड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी फीचर इन द रैंकिंग, इंडिया थर्ड रैंक पर है किसमें? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी फीचर्स, जिसके इंडिया कितने इंस्टीट्यूशन उसमें लिस्टेड है, उसमें 75 इंस्टीट्यूशन लिस्टेड है। इस जो टाइम्स एशिया रैंकिंग है उसमें इंडिया के 75 इंस्टीट्यूशन जो है वो लिस्टेड हैं। टॉप पोजीशन पर कोई है? फर्स्ट पोजीशन है जापान है जिसके 117 यूनिवर्सिटीज हैं, उसके फॉलोड बाय चाइना विथ 95 यूनिवर्सिटी। जापान की कितने? जापान की 117 यूनिवर्सिटी। और उसके दूसरे स्थान पर है चाइना विथ 95 यूनिवर्सिटीज़। और तीसरे स्थान पर है इंडिया जो 75 इंस्टीट्यूशन लिस्टेड हैं। इसमें जो हमारे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एशिया रैंकिंग्स में उनको थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 48th रैंक पर है। GSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वो 68 पर है। सोलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस जो है वो 77 पे है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो है वो 95th है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है वो 106 रैंक पर है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो है वो 111 नंबर पर है। सविता यूनिवर्सिटी जो वो 113 नंबर पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो 128 नंबर पर है। और IIT रोपार जो है वो 131 पोजीशन पर है। और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है 137th रैंक पर है। यह है इंडिया के
ये जो रैंकिंग्स है वो इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया रैंकिंग्स में है, इंडिया के ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023। जो हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, ये पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है IMD, उसके द्वारा ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पब्लिश किया गया है। और इसके से टॉप 3 रैंक्स पर कौन है, टॉप 3 रैंक्स पर है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, जो कि तीनों टॉप स्थान पर है। पहले पर है डेनमार्क, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर स्विट्जरलैंड, ये तीनों टॉप क्या है बिटवीन अमंग 64 नेशंस जो है जिसको सर्वे किया गया था, उसमें अंदर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप 3 रैंक्स पर है। इंडिया का रैंक है 40 इस साल 2023 में, जो कि इस साल का रैंक है इंडिया का, वो 14th रैंक है। जो टॉप 10 इकोनॉमिक्स है 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंक, उसमें से कौन है, पहले स्थान पर है डेनमार्क, फिर उसके साथ आयरलैंड, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे पर सिंगापुर, पांचवे पर नेदरलैंड, छठे पर ताइवान, सातवें पर हांगकॉन्ग और आठवें स्थान पर स्वीडन, नौवें पर यूनाइटेड स्टेट और आखिरी 10th नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये टॉप 10 रैंक्स हैं जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंक्स जो है 2023 का, इसमें टॉप 10 इकोनॉमिक्स कंट्री है ये। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, ये एक बुक है जो कि रिटर्न किया गया है किसके द्वारा, रूपा पाई के द्वारा रिटर्न किया गया है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, जो कि हमारे ऑथर है रूपा पाई, उनकी जो ये चिल्ड्रेन बुक है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन विल बी अवेलेबल द सीक्रेट्स ऑफ पतंजलि 2000 ईयर ओल्ड टेक्स्ट ऑन योगा, जो कि पतंजलि की 2000 साल पुराना जो टेक्स्ट है ये किसके ऊपर, योगा के ऊपर, उसको ये रिवील करेगा। जो ये बुक है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन वो पतंजलि के जो 2000 साल पुराने जो ओल्ड टेक्स्ट है जो योगा पर है डिपेंडेंट है, उसको वो रिवील करेगा। ये जो बुक है ये पब्लिश किया गया है हैचेट इंडिया के द्वारा, ये बुक पब्लिश किया गया है। और ये जो बुक है वो उसका एम क्या है, ये उसका एम है कि टू कनेक्ट एंड रिलेट द प्रैक्टिस ऑफ योगा टू चिल्ड्रंस एवरीडे लाइफ्स, जो कि हमारे चिल्ड्रंस है उनके एवरीडे लाइफ में जो ये जो हमारा योगा है, योगा प्रैक्टिसेस है, उसको किसी तरह रिलेट किया जाए और उसको कनेक्ट किया जाए, उसका ये एम है। और हेल्प देन यूज देयर माइंड पावर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देमसेल्फ, और उनके माइंड पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए और बूस्ट किया जाएगी, जो कि इस बुक के द्वारा किया जाएगा, इस बुक का एम है। जो कि ये जो चिल्ड्रंस हैं उनके एवरीडे यूज में ये कैसे योगा जो है वो पार्ट कर सकें, उसी के द्वारा ये बुक उनकी जो अदर नोटेबल बुक है वो क्या है, द गीता फॉर चिल्ड्रेन, जो कि उनकी एक अवार्ड विनिंग बुक है द गीता फॉर चिल्ड्रेन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव्स ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड मिला है, जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर है किसके, इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल, उसको किसे नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया है। और इसी के साथ इस अवार्ड को पाने के बाद जो ये ऑनर है इसको रिसीव करने के साथ जो ये नरेंद्र मोदी जी का ये 13th इंटरनेशनल अवार्ड है रिसीव बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये 13 बार उनका इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि प्राइम हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ये रिसीव किया गया है। ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, ये प्रेजेंट किया गया है इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह LCC, जो हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह LCC, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफा मोडबोलू, और उनका कैपिटल है कैरो और उसकी करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, डॉक्टर के वेणुगोपाल बैक्स IMA अवार्ड, जो है डॉक्टर है के वेणुगोपाल उनको इसका का IMA अवार्ड मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने सिलेक्ट किया है डॉक्टर के वेणुगोपाल को, जो कि चीफ कंसल्टेंट है इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन एट जनरल हॉस्पिटल एलापुजा केरला, जो एलापुजा जो है केरला में उनके जो जनरल हॉस्पिटल है उसके जो चीफ कंसल्टेंट इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन के जो चीफ कंसल्टेंट है कौन, डॉक्टर के वेणुगोपाल, उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सिलेक्ट किया है
for the Indian Medical Association Award under the category of Community Service. जो हमारे एलापूजा के डॉक्टर हैं डॉक्टर के वेणुगोपाल, उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सिलेक्ट किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड के लिए. जो किस कैटेगरी के अंडर उनको ये अवार्ड मिलेगा, ये अवार्ड उनको मिलेगा कम्युनिटी सर्विस के अंदर उनको ये अवार्ड मिलेगा. उनको अवार्ड कब प्रेजेंट किया जाएगा, उनको IMA हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है 1 जुलाई को उनको ये प्रेजेंट किया जाएगा. जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, उसके प्रेसिडेंट है सजानंद प्रसाद सिंह. और ये कब फॉर्म किया गया था, ये फॉर्म किया गया था 1928 को और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर. रजत वर्मा अपॉइंट्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DBS बैंक इंडिया. जो रजत वर्मा जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DBS बैंक इंडिया. जो DBS बैंक इंडियन जो DBS बैंक है जो उनके इंडियन सर्कुल जो बिजनेस है उनको वहाँ पर DBS बैंक के उनको इंडिया में जो है DBS बैंक उसको वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है. किसे, रजत वर्मा जी को चुना गया है. जो DBS बैंक इंडिया है उन्होंने अपॉइंट किया है रजत वर्मा को उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और एंड द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इन इंडिया. जो इंडियन बैंकिंग बैंकिंग सर्विस जो है DBS बैंक का उसके हेड चुने गए हैं और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं रजत वर्मा. वो रिप्लेस करेंगे जो अभी करंट हेड हैं इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ऑफ DBS इंडिया बैंक इंडिया के, वो है नीरज मित्तल, उनको वो रिप्लेस करेंगे. जो नीरज मित्तल है वो अभी मूव किए हैं उनके नए रोल में, जो कंट्री हेड बनेंगे DBS बैंक इन ऑस्ट्रेलिया. जो DBS बैंक है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के वो कंट्री हेड बनेंगे और जो नीरज मित्तल है उनको रिप्लेस करेंगे कौन, रजत वर्मा जी रिप्लेस करेंगे इंडिया में. जो DBS बैंक का इंडिया ब्रांच है उसमें वहाँ पर उनको वो रिप्लेस करेंगे. जो हमारे रजत वर्मा जी वो करेंटली है HSBC इंडिया के साथ हैं, वह द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंट्री हेड ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग इंडिया. जो SSBC है उसके जो मैनेज उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इंडिया, जो SSBC का कमर्शियल बैंकिंग इंडिया है उनको है वहाँ पर अभी रजत वर्मा काम कर रहे हैं. DBS बैंक के CEO कौन है, DBS बैंक के CEO हैं पीयूष गुप्ता और उसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर. और ये फाउंड किया गया था 16 जुलाई 1968 को सिंगापुर में ये फाउंड किया गया था. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर. किरिकोस मिट्सोटाकिस सोनिनेज ग्रीक प्राइम मिनिस्टर. जो हमारे क्रियाकोस मिट्सोटाकिस हैं उनको उन्होंने सोनिन किया है ग्रीकियन है प्राइम मिनिस्टर के रूप में. जो किरिकोस मिट्सोटाकिस हैं वो लीडर ऑफ द सेंट्रल राइट न्यू डेवलपमेंट डेमोक्रेसी पार्टी के वो लीडर हैं. हैज बीन सोनिन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस फॉर अ सेकेंड टर्म. वो दूसरे टर्म के लिए उनको वो पेरिस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं. उनकी जो पार्टी है कौन सी, तो सेंट्रल राइट न्यू डेवलपमेंट पार्टी जो है उनको पार्टी को 158 सीट्स मिले हैं. कितने में से 300 जो सीट्स हैं उनके पार्लियामेंट जो 300 सीट्स हैं उसमें से उनको 158 सीट्स मिला है उनके पार्टी को. ग्रीस के प्रेसिडेंट कौन है, ग्रीस के प्रेसिडेंट है कैटरीना सेकेलारो पोलो, उनके प्रेसिडेंट है. उनका कैपिटल है एथेंस और उसकी करेंसी यूरो. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर. स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023. स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स है 2023 का, वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था, वो हेल्ड हुआ था बर्लिन जर्मनी में फ्रॉम 17 जून टू 25 जून 2023. 17 जून से 25 जून तक जो है हमारा 16वां स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुआ था. वो कहाँ पर हुआ था, वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था. ये जो स्पेशल ओलंपिक है जर्मनी के द्वारा पहली बार होस्ट किया गया है. जर्मनी से जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स है उसको पहली बार उन्होंने होस्ट किया है. ये जो मोमेंट ओकेजन है ब्रॉट टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ एथलीट विद इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज अराउंड द ग्लोब. जो हमारे सारे कंट्रीज को मिलाकर जहाँ पर हमारे जो एंटायर वर्ल्ड में है वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज पर्सन है उनको मिलाकर ये गेम ये जो हमारा स्पेशल ओलंपिक से ये किया जाता है वो हर साल और ये इवेंट होता है. उन सबको लेके ये इवेंट किया जाता है. इंडिया ने इस
स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में जो ये कैंपेन उनका कैंपेन में 202 मेडल जीते हैं इंडिया ने एंड किया है अपना जो कैंपेन है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023 में विथ 202 मेडल्स 202 मेडल जीतकर उन्होंने अपना कैंपेन एंड किया है। उसमें से 76 गोल्ड है, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज हैं। ये जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया है। जो ये स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और ये हर 2 साल में एक बार होता है, ये जो स्पेशल ओलंपिक्स गेम ये 2 साल में एक बार होता है। जो इसका नेक्स्ट एडिशन है जो कि 2025 में होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा इटली में। और 2037 का जो एडिशन है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गवर्नमेंट लॉन्च नंदी पोर्टल टू ग्रांट एनओसी फॉर वेटरनरी डॉग्स एंड वैक्सीन्स। गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है यहाँ नंदी पोर्टल टू ग्रांट एनओसी फॉर वेटरनरी डॉग्स एंड वैक्सीन। जो हमारे वेटरनरी डॉग्स और वैक्सीन है उसको एनओसी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है नंदी पोर्टल। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने अनवेल किया है इस नंदी पोर्टल को। किसने? हमारे यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ये जो नंदी पोर्टल है इसको अनवेल किया है। ये जो पोर्टल है वो एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फॉर वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन इन इंडिया। जो इंडिया में जो वेटरनरी ड्रग्स और वैक्सीन बनेगी उनको एनओसी प्रोवाइड करेगी ये पोर्टल जो है। इसके तहत वो जो प्रोसेस होगा उसको वो ग्रांट करेगी। जो एनओसी का प्रोसेस होगा उसके तरह ग्रांट किया जाएगा इस पोर्टल के तहत। जो एनओसी की जो हमारे एप्लीकेंट्स होंगे वो अब उनके जो एप्लीकेशंस होंगे वो सबमिट करेंगे थ्रू नंदी पोर्टल। जो उनके एप्लीकेशंस हैं एनओसी के लिए वो इस नंदी पोर्टल के थ्रू वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। जो एप्लीकेंट्स होंगे वो सब इसके तहत वो सबमिट करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन हो गए जो नंदी पोर्टल की तरफ जाएगी उसको वो फॉरवर्ड किया जाएगा CDS या सुगम पोर्टल जो है उसमें वो फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके बाद उनको एनओसी मिलेगा। जो ये सुगम पोर्टल है वो कहाँ है? डिपार्टमेंट ऑफ एनुअल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उनका ये एप्लीकेशन है। कौन? सुगम पोर्टल जो उनका एक एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। $454 मिलियन डील साइन बिटवीन इन्फोसिस एंड डेंसस्केप बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफर। इन्फोसिस और डेंसस्केप बैंक के द्वारा $454 मिलियन का एक डील साइन किया है जिसमें से डेंसस्केप बैंक का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा उसके तहत। इस डील के तहत जो इन्फोसिस बैंक और डेंसस्केप बैंक है उन्होंने साइन किया है एक लॉन्ग टर्म कोलाबोरेशन एम एट एक्सीलरेटिंग द बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स। इसके कोलाबोरेशन के तहत जो डील साइन किया गया है इन्फोसिस और डेंसस्केप बैंक के द्वारा, इसके तहत वो जो डेंसस्केप बैंक से उस बैंक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो बैंक का डिजिटल जो चीज़ है उसको वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो कोलाबोरेशन है वो वैल्यू है $454 मिलियन का फॉर इनिशियल 5 ईयर पीरियड। ये स्टार्टिंग में इनिशियली वो 5 साल पीरियड के वाला विथ पोटेंशियल फॉर 3 1-year एक्सटेंशन। जो पहला जो है ये डील है वो 5 साल के पीरियड रहेगा इनिशियली, उसके बाद 1-1 साल इंक्रीज होगा 3 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जो इन्फोसिस है उसके फाउंडर कौन है? इन्फोसिस के फाउंडर है एनन नारायण मूर्ति और नंदन नीलकनी उसके फाउंडर है। उसके इन्फोसिस के फाउंडर है और इन्फोसिस के CEO है सलील पारेख उसके CEO है। और ये फाउंड किया गया था 2 जुलाई 1981 को पुणे में और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। अबाउट डेंसस्केप बैंक, उसके CEO कौन है? उसके CEO हैं कार्स्टन रेस्ट एगिरिस उसके CEO है। उसका हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन डेनमार्क में उसका हेडक्वार्टर है। ये फाउंड किया गया था 5 अक्टूबर 1871 को ये फाउंड किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। आसाम फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू कम अप अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर। जो आसाम का पहला अंडर वाटर टनल है वो कहाँ पर बनेगा? वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर बनेगा। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ आसाम फर्स्ट एवर अंडर वाटर टनल कनेक्टिंग दुमालीगढ़ एंड गोपुर।
जो आसाम का पहला अंडर वाटर टनल है वो किसको कहाँ पर कहाँ से कनेक्ट करेगा, वो कनेक्ट करेगा नुमालीगढ़ टू गोपुर, जो नुमालीगढ़ से गोपुर को कनेक्ट करेगा। ये जो पहला अंडर वाटर टनल है किसका, आसाम का, उसे किसे अनाउंस किया है, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा जी ने उनको अनाउंस किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6000 करोड़ के कॉस्ट में ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और ये पहला रेल रोड टनल जो है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर बनेगा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पहला अंडर वाटर टनल बनेगा। आसाम के गवर्नर कौन, आसाम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, और उनके नंबर कितने डिस्ट्रिक्ट आसाम में, उनके 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लोकसभा सीट्स हैं 14 और उनके राज्यसभा सीट्स हैं 7। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट्स नूतन गुप्ता एज डायरेक्टर ऑफ यूएसए ईस्ट कोस्ट। जो इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपॉइंट किया है नूतन गुप्ता को एज डायरेक्टर ऑफ यूएसए ईस्ट कोस्ट, जो है उसके नए डायरेक्टर चुना है। किसने, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नूतन गुप्ता जी को डायरेक्टर चुना है यूएसए ईस्ट कोस्ट के। जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं मिचेल मिबैक हैज ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजीज एंड पार्टनरशिप फोरम। जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने गए हैं कौन, मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं मिचेल मिबैक, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन करेंगे। जो हमारा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है उसके लिए इंडोनेशिया को चुना गया है ऑफिशियली सिलेक्टेड एज द होस्ट कंट्री फॉर द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट, उसको कौन होस्ट करेगा, वो इंडोनेशिया होस्ट करेगा। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ग्रांट किया है $255.5 मिलियन $250.5 मिलियन जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने ग्रांट किया है टू एनहांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट किया है $255 मिलियन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।